नालंदा जिले में उत्पाद विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है। उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर हरनौत प्रखंड के गोकुलपुर ओपी अंतर्गत भतियार गांव में छापेमारी कर अफीम की खेती का खुलासा किया है। छापेमारी में भारी मात्रा में अफीम के पौधे को जब्त किया गया है। उत्पाद उपाधीक्षक विजय कुमार ने बताया कि यदि अफीम का 1000 पौधों को तैयार कर मार्केट में भेजा जाता तो इसकी कीमत लाखों रुपए होती। उन्होंने बताया कि विभाग को भतियार गांव में बड़े पैमाने पर अफीम की खेती की सूचना मिली थी। बताया गया था कि फसल तैयार है और काटने की तैयारी की जा रही है। सूचना मिलते ही कार्रवाई करते हुए हरनौत बीडीओ को मजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त कर उनके नेतृत्व में छापेमारी की गई। 825 मीटर रकबे में अफीम की फसल उगाई गई थी। फिलहाल इसमें 2 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है और अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक नालंदा जिले में यह अफीम की खेती का पहला केस है जिसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया है। करीब जो होता है वो 1000 से ऊपर पौधा है जो अफीम का पौधा है। कितने 1000 पर और ये जो है वो 825 स्क्वायर फीट में ये खेती की जा रही है। कितना आकलन करते हैं सर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में? अब ये तो सेंट्रल एक्साइज का विषय है कि इसका अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्या कीमत होगा, लेकिन काफ़ी अधिक कीमत लगता है नालंदा जैसे क्षेत्र में इस तरह का। नहीं, नालंदा में ये पहली घटना ऐसी हुई है जो यहाँ ओपीएम पकड़ाया है, अफीम का खेती किया जा रहा है। ये हालांकि अभी इससे पहले तो ये झारखंड और नक्सली क्षेत्रों में पाया जाता था, लेकिन ये पहली बार यहाँ पकड़ाया। लगता है नक्सल कनेक्टिविटी भी हो सकता है? अब ये तो जाँच का विषय है।